वाल्मीकि नगर गंडक बराज में नेपाली मृत गेंडा मिला है। नेपाल के चितवन नेशनल पार्क से गेंडा भटक कर नारायणी चला गया, जिससे उसकी मौत हो गई है। गेंडा की सूचना पर वन विभाग घटनास्थल पर पहुंचकर पानी में गेंडा को निकालने की कार्रवाई कर रही है। वही सहायक वन संरक्षक अमिता राज ने बताया कि नेपाल के चितवन निकुंज से गेंडा गंडक नदी के रास्ते पानी में बहकर आ गया। मृत गेंडे की मृत्यु प्रथम दृष्टि पानी में अधिक समय रहने के कारण होने की संभावना है। हालांकि गेंडे की मृत्यु का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। उन्होंने बताया कि एक गेंडा नदी में बहकर तिरहुत कैनाल के एक नंबर फाटक में फंसा था। सूचना की गंभीरता को देखते हुए वन कर्मियों की टीम को मौके पर भेज दिया गया, जहां घंटों मशक्कत के बाद मृत शावक गेंडे को रेस्क्यू कर लिया गया। वीटीआर के वेटनरी डॉक्टर मनोज कुमारी टोनी ने बताया कि गेंडा हो सकता है कि किसी ऊंचे स्थान से फिसल कर नदी में गिर गया हो, गिरने के कारण उसे चोट आई हो और अत्यधिक समय तक पानी में रहने के कारण दम घुटने से उसकी मौत हो गई हो। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज पेपर दरभंगा।